बदायूं में हर्ष फायरिंग से युवक की मौत का मामला सामने आया। शादी समारोह में की गई थी हर्ष फायरिंग में युवक के सिर पर लगी थी गोली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग जख्मी हुए, कई लोग की मौत हो गई, बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। अलापुर थाना के ककराला कस्बे की वारदात है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई, जिस पर देश के उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। आए दिन हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो रही है, बावजूद इसके सीखने को तैयार नहीं है, सबक नहीं ले रहे हैं और एक के बाद एक नया मामला फिर सामने आ जाता है। व्यक्ति आया है साजिब नाम का, इसको यहाँ पर लाया गया, हम लोगों ने देखा, इसकी जांच करी तो ये मृत अवस्था में पाया गया यहाँ पर, और हम लोगों ने इसका ECG वगैरह भी सब किया जिसमें स्ट्रेट लाइन आया है, लिहाजा आगे की कार्रवाई के लिए हमने इसके शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। ये थाना अलापुर क्षेत्र के ककराला कस्बे का मामला है। एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, उसकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टिया ये मामला एक्सीडेंटल फायरिंग हर्ष फायरिंग का लग रहा है, मगर इसमें पुलिस की विवेचना चल रही है और जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला सामने आया। शादी में हर्ष फायरिंग की गई थी जिसमें युवक की मौत हो गई। देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी हर्ष फायरिंग पर, बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं है, सबक सीखने को तैयार नहीं है। यही नतीजा है कि एक के बाद एक मामले से सामने आ जाते हैं और खुशियां जो है मातम में तब्दील हो जाती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये थाना अलापुर का ककराला कस्बा पड़ता है और यहाँ पर एक निकाह होने वाला था कि लॉन के बाहर हर्ष फायरिंग में एक नाजायज असले से फायरिंग की जाती है, उसके युवक के सर में गोली लग जाती है और वो मौके पे ही खत्म हो जाता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है तो तुरंत SSP मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का मुआयना किया और उसके बाद तुरंत SSP ने संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की है और जो लाइसेंसी असले से और जो नाजायज असले से फायरिंग की गई थी उसको तुरंत जब्त कर लिया गया है। इसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी पंकज, इसमें भयानक सच्चाई ये है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है हर्ष फायरिंग पर, बावजूद इसके लोग सबक सीखने को तैयार नहीं है और खुशियां जो है हर्ष फायरिंग की वजह से मातम में तब्दील हो जाती है। जी, आपको मैं बता दूं कि लोग खुशियों में इतना डूब जाते हैं कि वहां पे उनको यही एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और फिर वो असला निकालने लगते हैं। लेकिन अब इससे पुलिस को और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा जिससे ये घटनाएं रुक सके। जी पंकज गुप्ता, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।